भारत जहाँ के कण कण में रचती बसती है, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और संगीत जो अनादि काल से चली आ रही हैं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संस्कृति और सभ्यता का इतना धनी हो। भारत की भूमि पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम मिलेगा। बहु संस्कृति एवं विविध कलाओं वाले इस देश की जीवन पद्धति यहाँ के प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का दर्शन जितना भारत में देखने को मिलता है उतना और कहीं नहीं। प्राचीन काल से ही यहाँ के साहित्य और शास्त्रों में मानव सभ्यता को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कला में बनाने का सार मिलता है। यदि पोशाक और श्रृंगार की बात करें तो इसमें महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, लेकिन साथ ही पुरुष भी वेश परिवेश की कड़ी रहे हैं। भारतीय सभ्यता में यदि हम पुरुषों के वेश परिवेश की बात करें तो जहन में सबसे पहले यहां मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी का ख्याल आता है, और पगड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम राजस्थान का आता है। राजस्थान की संस्कृति गौरव और सम्मान की थाती है। राजस्थानी संस्कृति और परंपरा की झांकी हमें यहाँ की गगनचुंबी ऐतिहासिक इमारतों, यहाँ के नगरों और यहाँ के लोगों द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषाओं और आभूषणों में देखने को मिलती है। न सिर्फ यहाँ के लोगों की वेशभूषाएं बल्कि यहाँ की इमारतें भी रंग बिरंगी हैं। जैसे जोधपुर के अधिकतर घर नीले रंग के हैं, तो जयपुर पूरा गुलाबी रंग में रचा बसा है, जबकि वहीं जैसलमेर की इमारतें सुनहरे रंग से रंगी हैं, और इसीलिए ये शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। भव्य इमारतें, महल और खूबसूरत झीलों को भी इस प्रदेश ने अपने आगोश में लेकर लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है।
बस कमी थी तो सिर्फ चंद रंगों की, जिसे पूरा करने के लिए ही शायद यहाँ के लोगों ने अपने वस्त्रों और पगड़ियों में विविध प्रकार के रंगों का समावेश किया। भारतीय सभ्यता और मानव संस्कृति के प्रतीकों में एक सिर आभूषण यानी पाग पगड़ी में हमें प्राचीन भारतीय जीवन की सुंदर झांकी दिखाई देती है। राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति की एक अलग ही शान रही है। इसी आन बान और शान से जुड़ी पगड़ी यहाँ की संस्कृति और परंपरा को चित्रित करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हमारे सामाजिक परिवेश का पता चलता है। पगड़ी और साफे प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के पर्याय माने जाते हैं। जाति, संप्रदाय और व्यक्ति की पहचान उसके पाग और पगड़ियों तथा सिर पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों से होती थी। राजा, पगड़ी पहनने की ये परंपरा मौर्य शासन के अंत तक बनी रही, लेकिन जब भारत में शकों का आगमन हुआ तब उनके प्रभाव से पगड़ी के स्थान पर टोपियों का प्रचलन शुरू हुआ। परंतु गुप्त सम्राट अथवा उनसे संबंधित शासक वर्ग मुकुट ही पहनते थे। वर्धन राजवंश का शासन समाप्त होने पर भारत में राजपूतों का शासन प्रारंभ हुआ। इस काल के शासक और उनके परिवार के सदस्य अनेक प्रकार की पगड़ियां पहनते थे। खासकर आम दरबार और समारोह सफेद पगड़ियों की कतारों से चमक उठते थे। अधिकारी और वरिष्ठ मंत्री अपनी पगड़ियों को कभी मोतियों की लड़ी तो कभी फूलों से सजाते थे। लेकिन जब 10वीं और 11वीं सदी में मुसलमान आक्रमणकारी भारत में आए, तब यहाँ के वेश परिवेश में भी कुछ परिवर्तन आया। उस समय चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिर पर कोई ना कोई वस्त्र पहनना आवश्यक था। सिर ढके बिना समाज में घूमना फिरना अनादर का विषय हो जाता था। ये बात अलग है कि अमीर वर्ग के लोग पगड़ी पहनते थे और गरीब आदमी टोपी। हिंदू चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, पगड़ी अवश्य पहनता था। मुसलमान संत दरवेश टोपी पहनते थे और उलेमा पगड़ी बांधते थे। राजस्थान, कर्नल जेम्स टोंड का दिया ये शब्द इससे पहले राजपूताना के नाम से प्रसिद्ध था। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्षत्रियों की वीर गाथा आज भी वहां के संगीत की धुनों में वीरता का बखान करती है। उन्हीं की वीरता और सम्मान का प्रतीक है ये पगड़ी। पगड़ी तो राजस्थानियों की प्रतिष्ठा का सवाल है। पगड़ी की पहचान हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारे शुभ कार्य, हमारे जीवन में जीवंतता लाने के लिए पगड़ी सदा सर्वदा रही है। चाहे वह जोधपुरी पगड़ी हो, चाहे वह जयपुरी पगड़ी हो, चाहे वह उदयपुरी पगड़ी हो, चाहे वह नागौरी पगड़ी हो, चाहे वह बीकानेरी पगड़ी हो, पगड़ी पगड़ी है। देखिए, राजस्थान की भूमि वीर भूमि रही है। राजस्थान की भूमि सांस्कृतिक परिवेश को लिए हुए है। राजस्थान की भूमि दानवीरता, भक्ति और शक्ति को लिए हुए है। तो ये रंग भी जो हैं, ये भक्ति, शक्ति, दानवीरता, उसके आधार पर ही उनके चेहरे पर या उनके सिर पर फबते हैं। पाग पगड़ियों के सांस्कृतिक महत्व का प्रमुख बिंदु राजस्थान लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जिसके दर्शन
हमें उन रीति रिवाजों में होते हैं जो हमारी सांसों में घुल मिलकर एक हो गए हैं। यहाँ पर अलग अलग अवसरों पर पगड़ी भी अलग अलग तरीके से बांधी जाती है। विवाह के अवसर पर अधिकतर समाज में दूल्हे के सिर पर गुलाबी या पीले रंग का साफा बांधा जाता है, लेकिन आज चुंदड़ी के साफे का चलन ज्यादा है। विवाह के अलावा भी अनेक अवसरों पर लोग इसी चुंदड़ी का ही साफा बांधते हैं। इन साफों को कई प्रकार से बांधा जाता है, जिसमें ज्यादातर राजा महाराजाओं द्वारा प्रचलित साफे बांधने के तरीकों को अपनाया जाता है। साफे का जो स्वरूप आज हमें जोधपुर के महाराजा गज सिंह के सिर पर दिखाई देता है, वो महाराजा जसवंत सिंह की देन है। उन्हीं के भाई महाराजा प्रताप सिंह ने जोधपुरी साफे को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। आज भी राजस्थान में रहने वाले लोग उस समय के उम्मेद सिंह के साफे की भांति उसी पेच का साफा बांधने में अपनी शान समझते हैं। मधुमालती, ढोला मारवणी और हीर रांझा की अमर प्रेम कथा आज तक इतिहास नहीं बन पाई। सारंगी के सुरों में छिपी इन प्रेमियों की वेदना राजस्थानी संस्कृति के सतरंगी इंद्रधनुषों में अब तक उतनी ही जीवंत है। भारतीय इतिहास में पगड़ी रणबांकुरों और वीरों की शान रही है, जिनके द्वारा धारण की गई पगड़ी ही उनकी पहचान बन गई। जैसे छत्रपति शिवाजी की पगड़ी, सिखों के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की पगड़ी, सरदार सिंह और सुमेर सिंह की पगड़ी, वीर दुर्गादास और महाराणा प्रताप सिंह की पगड़ी, जिन्होंने अपनी पगड़ी की शान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पगड़ी के इतिहास पर नजर डालें तो हमें इनके प्रयोग और प्रचलन में कमी आती दिखाई देगी। आजादी के बाद भारतीय राजनीति की वेशभूषा में गांधी टोपी का प्रचलन खूब रहा, मगर धीरे धीरे वो भी अनावश्यक हो गया। लोग नंगे सिर ही धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। राजस्थान में पगड़ी परंपरा आज भी जीवित है, जो यहां की गौरवमयी संस्कृति और परंपरा का बोध कराती है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग विभिन्न रंगों की पगड़ी अलग अलग तरीके से बांधकर पहनते हैं। जैसे कल्बी विश्नोई समाज के लोग सफेद पगड़ी, तो रेबारी, कुम्हार, माली लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। यहाँ पर खटीक जाति के लोग पगड़ी के साथ एक गमछा भी लपेट लेते हैं, जबकि यहाँ के राजपूत केसरिया रंग पसंद करते हैं, तो यहाँ के स्वामी और मठाधीश भगवा रंग की पाग बांधते हैं। यहाँ के नट, भाट, मांगणियार, लंगा आदि छापल रंग बिरंगे फेटे बांधते हैं।
यहाँ के मुसलमान अधिकतर सफेद पगड़ी पहनते हैं। वहीं सिख धर्म के लोग विभिन्न रंगों की पगड़ी धारण करते हैं। इनकी पगड़ी पूरी चादर के आकार की होती है। यही पगड़ी चिकने घने केशों के साथ लड़ाइयों में उनके शिरस्त्राण बनकर तलवारों के वार सहन करती थी। इसीलिए सिखों में ये कहावत प्रसिद्ध है, पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी केवल सिर की शोभा या एक परिधान मात्र नहीं है। पगड़ी मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वीरता का पर्याय है। संस्कृति, सुंदरता और भारतीयता की पहचान कराने का एक माध्यम है। हमारे जीवन के विविध रंगों को अपने में संजोए ये पगड़ी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का परिचय प्राचीन काल से कराती चली आ रही है। पगड़ी या साफे के माध्यम से व्यक्ति किस प्रांत, देश या नगर का रहने वाला है तुरंत पहचान लिया जाता था। आज भी पगड़ी किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बोध कराती है। पाग पगड़ी पहनने के तरीके और रंगों के चयन से न सिर्फ हम उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उसके देश प्रदेश की जलवायु और सभ्यता से भी परिचित हो सकते हैं। पगड़ी हमारे सिर की रक्षा करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। यदि पगड़ी कसकर सिर पर बंधी हो तो लाठी या तलवार के सीधे प्रहार से सिर की रक्षा हो जाती है। रेगिस्तान, जहां गर्मी में आंधियों के बवंडर चलते हैं, उस समय सिर पर पगड़ी होने और उसे चेहरे पर लपेट लेने से धूल और रेत के कणों से बचाव होता है। साथ ही वो हमें तेज धूप से भी बचाती है। पगड़ी बहुत सी चिकित्सा पद्धति में भी काम आती है। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होने पर उसके पेट पर पगड़ी को एक बार लपेटकर उस व्यक्ति को दाएं और बाएं झुकाया जाता है, जिससे उसका पाचन तंत्र सही ढंग से काम करना शुरू कर देता है और उसे आरारप दंश में भी पगड़ी विशेष। पगड़ी हमारी आम जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करती है। इसे हम बिछावन, तकिए, पानी निकालने और छानने में भी प्रयोग करते हैं।
सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए भी सर को बचाने के लिए पगड़ी पहनने का रिवाज हुआ। दूसरा, रेगिस्तान में पानी बहुत गहरा होता है। अगर एक इंसान बकरियों को चराते हुए रेगिस्तान में दूर निकल गया है और आसपास में पानी नहीं है, वहाँ कोई झीलें तालाब तो इतने कुछ होते नहीं, बरसात होती है तो पानी मिलता है सतह पे, कुओं में बहुत गहराई में पानी होता है, अगर पानी है भी तो पानी निकालने के साधन नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पगड़ी ही वो एक साधन बनता है कि वो उस बाल्टी से या किसी लोटे को बांधकर उस कुएं से पानी सींच के निकालता है। तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें कचरा है, तो उसको छान के भी पानी पिया जा सकता है। खेत में गया है, गाय के लिए चारा काट के लाया, तो उसको रस्सी की तरह बांध के भी उस पगड़ी को का उपयोग करता है। अगर उसके घाव लग गया है तो वो एक बैंडेज की तरह भी पगड़ी का उपयोग कर सकता है। जब शादी के लिए जाते थे, जैसे पीछे वाली पगड़ी में आप देख रहे हैं, उस पर चांदी की चैनें लटकी होती है, एक कंघा उनकी, एक भैंस के जो सींग के कंघे बनते हैं हाथ से, यहाँ पर हस्तकला है उसके बनते हैं वो, कांच, आँखों में जो काजल डालने के लिए आईलाइनर वगैरह, ये सारी चीज़ें, अगर कांटा लग जाए तो उसको थ्रोन पिक वगैरह, ये सारी चीज़ें वो सब पगड़ी में रखते हैं। यहाँ तक पूजा के लिए जो माला होती है वो भी पगड़ी में रखते हैं, भगवान की मूर्ति होती है वो पगड़ी में रखते हैं, चिलम पगड़ी में रखते हैं, जर्दा पगड़ी में रखते हैं, और खुले पैसे होते हैं, जो कुछ है उनका वो सब पगड़ी में इसलिए रखते हैं कि उनकी जो पोशाक होती है, धोती में कोई जो अनस्टिच होती है उसके उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं, जो अंगरखी पहनते हैं तो उसमें भी कुछ पॉकेट्स नहीं होते हैं, तो जो चीज़ जो भी उनकी बिलोंगिंग्स होती है उनके स्टोर करने के लिए, स्टोरेज प्लेस उनका पगड़ी ही होता है। अगर जब भी पगड़ी खोलते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ें जो उनको